मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सामुदायिक पाठशाला में। चलो, मैंने बोला था कि बहुत सारे बच्चे टाइम से आएंगे, बता दो सबको, टेलीग्राम पे बता दो उन लोगों की सभी बच्चे लाइक टाइम से आ जाए, क्लास स्टार्ट हो चुका है। चलिए मैं सबका नाम ले लेता हूँ एक बार फिर से फटाफट। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चिंटू कुमार, लाइट यहाँ बारिश के कारण नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आपने न्यूज़ दे दिया हमें। नीतीश कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग। दीपक, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा मैं हूँ। शशि, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। रोहित, वेरी गुड मॉर्निंग। रेखा, वेरी गुड मॉर्निंग। अंकित, नेहा राज, रिया, निर्गुण, संजीव, प्रभात, रिया सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग। पूजा, जागृति, एमडी, अब वेरी गुड मॉर्निंग। मल्लिका, प्रभात, रंजन, डॉली, कुंदन, मासूम, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग, फटाफट कमेंट कर दो। सारे बच्चे मुझे बता दे कैसे हैं उन लोग, ठीक है। चलिए देखो जी, जितने बच्चे जुड़ते जाओ वो लाइक का बटन भी दबाते जाओ, तभी मजा आएगा। जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हैं लाइक का बटन भी दबाते जाओ, ठीक है। सारे बच्चे लाइक का बटन भी दबाते जाएंगे तो मजा ज्यादा आएगा। कोमल, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को जुड़ने देते हैं तब तो कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। कुंदन, आदित्य, प्रियंका, नविता, स्वीटी, शालिनी, अनु, अंजलि, आदित्य, प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे एक बार कमेंट कर दो फटाफट। सब मजे में ना? और जितने बच्चे अभी देखो, जितने बच्चे अभी हैं समझ में आ जाए कौन 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 लाइक नहीं करता है। अभी जितने बच्चे हैं सबके सब लाइक आने चाहिए, तभी मजा आएगा। कोई मजाक थोड़ी हो रहा है, ठीक है। अच्छा आप लाइक नहीं करोगे तो कब करोगे? जो इंसान 9 बजे उठता है, 8 बजे उठता है, उस इंसान को आप 5:30 बजे उठा ले रहे हो, कम बड़ी तो बात थोड़ी है। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, फाइन फाइन। चलिए मैं, मेरे से पूछोगे तो एज कूल एज लाइक अ ककुम्बर, एकदम खीरे की तरह ठंडा हूं एकदम। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेहा, वेरी गुड। युवराज, नीतीश, दीपक, देखो अभी भी लाइक नहीं आया है, पूरा पूरा लाइक अभी भी नहीं आया है। 21 बच्चे लाइव हैं, लाइक 25 को हुआ है। ये कुछ कुछ इसमें चोर वाले बच्चे हैं। गुड मॉर्निंग गुंजन, वेरी गुड मॉर्निंग। जूली, वेरी गुड मॉर्निंग। मल्लिका अच्छे हैं, वेरी गुड। युवराज, वेरी गुड मॉर्निंग। युवराज, संजय, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मजा आ गया। अब एक बार जरा सारे बच्चे मुस्कुरा दो, सुबह सुबह आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, ठीक है, बड़ा आनंद देता है मुझे, क्योंकि टीचर के लिए उसकी फैमिली और स्टूडेंट्स ही उनके लिए एक क्या होते हैं, लाइफ के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। और हमारे सिवा मतलब आपके सिवा हमारा है कौन? एक हमारी फैमिली और हमारे स्टूडेंट्स। टीचर की पहचान उनके विद्यार्थियों से ही होती है, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट, वेरी गुड मॉर्निंग। जितने बच्चे लाइव है एक बार फटाफट लाइक कीजिए। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार फटाफट सारे बच्चे एक बार एकदम दिल खोल के मुस्कुरा दो, ठीक है। स्टार्ट हम लोग मुस्कुराते हुए करेंगे और अंत भी मुस्कुराते हुए करेंगे क्लास का, तभी मजा आएगा। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। सारे बच्चे एक बार स्माइल कर देंगे फटाफट। कहते हैं कि क्या, एक डायलॉग था, एक मूवी की डायलॉग थी, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। उसी प्रकार अगर आप स्टार्टिंग आपकी सुबह अच्छे से हो ना, अगर दिन की शुरुआत अच्छे से हो ना तो सारा दिन अच्छा जाता है, लेकिन अगर स्टार्टिंग खराब चला जाए तो मजा नहीं आता है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी सभी बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, वेरी गुड। नेहा कुमारी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो अब हम लोग, कल मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था, वेरी गुड मॉर्निंग अंजलि, वेरी गुड वेरी 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 वेरी। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब मुस्कुरा रहे हैं। चलिए, वेरी गुड, मजा आ गया, ठीक है। तब थोड़ा सा रीजनिंग है ना, तो थोड़ा सा मजे मजे पढ़ेंगे। अरे अभी तो आने दो ना, आने वाला चैप्टर में और इतना हंसोगे कि पागल हो जाओगे, केवल कहानी पे ही मैं पढ़ाऊंगा। अंकिता, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी ने मुस्कुरा दिया। अच्छा एक बात बताओ, कल वाला जो मैंने एक सवाल करवाया था, लास्ट में प्रॉब्लम था, अब केवल जिनको प्रॉब्लम है वही कमेंट करेंगे कि हाँ सर क्लियर नहीं हुआ था, या अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो जितने बच्चे हैं कमेंट नहीं करना, केवल हाथ ऐसे उठा देना। देखो एक वो सैम्बुल होगा, उसमें ऐसे का एक सैम्बुल होगा, वो कर दो कि सर हमको समझ में नहीं। बाकी जिनको समझ में आया है वो कमेंट नहीं करेंगे, उल्हा टाइप से मत करना। जिनको समझ में नहीं आया है वो कमेंट करेंगे,
क्या करना था कि ऐसे हाथ उठाने वाला होगा, मैं नाम फटाफट देख लूंगा किसको किसको समझ में नहीं आया। ठीक है सुजाता, वेरी गुड मॉर्निंग रंजन, सस्मित। अब देखो बहुत सारे बच्चे का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो देख भाई गरियाने और याना मत, अब कोई दुश्मनी उस्मनी भी नहीं है। ठीक है चलिए मोनू वेरी गुड मॉर्निंग, और जल्दी से फटाफट शेयर कर दो। देखो जितने बच्चे बाद में मेरे से जुड़े हैं उन्होंने लाइक नहीं किया है, इतने साल पहले कमेंट किया लाइक नहीं किया है, जबकि गलत बात है। बताओ किनको किनको प्रॉब्लम था वो सवाल में जो हम लोग बात कर रहे थे कि एक रेखा में होगी, एक रेखा में। ठीक है चलिए सबसे पहले हाथ उठाया राजीव कुमार का, वेरी गुड। राजीव कुमार को समझ में नहीं आया, चलिए वेरी गुड मैं समझाऊंगा आपको, पहले मैं जरा सा देख लूं किनको किनको समझ में नहीं आया। जिनको प्रॉब्लम है केवल वही उठाएंगे हाथ, बाकी कोई हाथ नहीं उठाएगा। ठीक है प्रवीण वेरी गुड मॉर्निंग, चलिए जिनको प्रॉब्लम है वही केवल हाथ उठाएंगे कि यस सर मजा है। ठीक है केवल एक ही बच्चे को प्रॉब्लम है, चलो प्रियंका कुमारी को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है कि आशीर्वाद दे रही पता नहीं, चलो प्रियंका को प्रॉब्लम है, राजीव कुमार को प्रॉब्लम है कल वाले सवाल में, तो फटाफट कमेंट कीजिए मैं जरा वो सवाल निकाल लेता हूँ। राजीव राजीव प्रियंका देखो तो डाउट लेके नहीं जाना है, कल हमारे पास समय की थोड़ी अभाव थी। शालिनी हाथ उठाने बोला मैंने, ऐसे हाथ उठाने बोला। ठीक है मारूक वेरी गुड मॉर्निंग, सुमन वेरी गुड मॉर्निंग, हाँ ये था वो। चलिए चलिए एक प्रियंका का हो गया, राजीव प्रियंका शालिनी, चलिए दीपक गुंजन ने भी हाथ उठा दिया है, और क्या हो गया सारे बच्चे को शेयर कर दीजिए फटाफट और लाइक भी कर दो सारे बच्चे जितने, चार लोग कौन है भाई, अब यहाँ पे नाचे तब आप लाइक करोगे। देखो यहाँ पर आपसे क्या क्या रहा है नोट, सबसे पहले तो जिन बच्चों का प्रॉब्लम है वही बात करेंगे मेरे से, बाकी सब आराम से देखेंगे, उनका रिवीजन हो जाएगा। तो राजीव प्रियंका शालिनी, चलो कोई बात नहीं मिला, गुंजा दीपक, तो ये चार बच्चे हैं जो केवल मैं उनसे भी फिलहाल मैं उनसे बात कर रहा हूं, बाकी कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है थोड़े देर के लिए, क्योंकि ये सभी हमारे फैमिली के हिस्से हैं, जैसे आप सब बच्चे हो वैसे ये चार बच्चे भी हमारे लिए। ठीक है तो इनका भी डाउट क्लियर होना उतना ही जरूरी है जितना, ठीक है क्या, जितना आपका क्लास देना मेरे लिए जरूरी है। चलिए कोई लाइन नहीं मिला बैठा दिया, जब दोनों घड़ी की सुइयां एक ही रेखा में हो तो आप समझो पहले एक रेखा किसको बोलते हैं, तो ये एक रेखा है। ठीक है एक रेखा है ना, इसको लाइन बोलते हैं। अब यहां ध्यान देना, ठीक है अब इसी लाइन में अगर ऐसा हो जाए तो ये क्या एक लाइन नहीं कहलाएगा, यानी कोइंसाइड करे जब दोनों सुई आपस में मिले तो ये भी एक रेखा है, अगर ऐसे हो जाए ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। तो कल मैंने आपको बताया था कि ये दो कंडीशन जो है घड़ी में बनता है, एक जब ये कोइंसाइड करता है, कोइंसाइड का मतलब जब दोनों एक दूसरे के ऊपर आके मिलता है, एक दोनों का जो डायरेक्शन होगा फेस का घड़ी के सुई का वो सेम डायरेक्शन में होता है, तो एक ऐसा होता है। देखो एक आपका ऐसा हो जाएगा और एक आपका इसी की अगर हम बात करें तो यही सेम चीज ऐसे हो जाएगा, तो यहां से यहां भी लाइन है और यहां से यहां भी क्या है तो एक लाइन है। आई एम राइट ना, ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, तो एक घंटे में दो बार, कितने बार, तो एक घंटे में दो बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार, तो ये होता है कब, याद रखना कि जब आपसे बोले कि घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी तो वो केवल ये वाला बनाना, ये वाला। ठीक है
और अगर कहे कि घड़ी, और ये सवाल ऐसा रहे कि अगला सवाल कि जब घड़ों की घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट हो यानी 180 डिग्री कोण बनाए, तो ये वाला सवाल, ये वाला यानी एक में स्ट्रेट एंगल वाला रूल लगाओगे, एक में कोइनसाइड वाला रूल लगाओगे, कोइनसाइड और स्ट्रेट एंगल का रूल लगाओगे, तो इस ठीक है। और अगर लेकिन मैंने नोट करवा के लिखवाया है कि लेकिन जब घड़ी की दोनों सुइयां के बारे में बोले कि कब एक रेखा में होगी, एक लाइन में होगी, एक लाइन में होगी, तब ये दोनों तरीका अप्लाई होगा। एक बार कोइंसाइड करेगा यानी 3:15 में जब आएगा तब एक लाइन में होगा, और एक 3:00 कितना 45 मिनट की ना, तो ये भी एक लाइन में होता है। तो अब बच्चे कमेंट कर दो, क्लियर हो गया। एक बार शालिनी, राजीव, प्रियंका, दीपक, गुंजा, हाँ गुंजा है ना, हाँ कमेंट करके बता दीजिए क्लियर हो गया। तो इसका रूल है 60/11 × टाइम, याद करो कोइंसाइड का यानी ये वाला, और इसका रूल है 60/11 × टाइम +-6। अब प्लस माइनस किस लिए, तो प्लस तब लेंगे जब 6 से कम हो, और माइनस कब लेंगे जब 6 से ज्यादा हो। एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट। और अभी भी कल कुछ बच्चों ने मेरे साथ चीट किया है, धोखा दे दिया, दिल तोड़ दिया मेरा, ठीक है। अब कौन कौन बच्चे वो समझ जाएंगे। कल उन्होंने कहा कि सर मैं असाइनमेंट सेंड कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन असाइनमेंट सेंड नहीं हुआ हमारे ग्रुप पर, होमवर्क वाले ग्रुप पे। मैं वेट करता रहा कि चलो भाई अब याद रखना ये खत्म होने वाला है, और याद रखना मैं पीडीएफ तब देता हूँ जब पूरा पढ़ा दूं, क्योंकि क्वेश्चन तो करवा रहा हूँ पूरा पढ़ा दूं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ऐसे नहीं पूछता है, पूरा एक साथ पूछता है, ताकि उसके बाद आप बनाना कितना बनता है, ठीक है। तो बता दीजिए फटाफट, क्लियर हो गया, एक बार कमेंट कर देंगे। चलो दीपक ने क्लियर कर दिया, राजीव ने मुस्कुरा दिया, वेरी गुड राजीव, राजीव होशियार हो गए कि सर को पता है कि केवल अगर डाउट क्लियर तो बस मुस्कुरा देना है। और ये बच्चे कहाँ गए आज, जोड़ो फटाफट। देखो आप चाहो तो किसी को उठा के यहाँ ला सकते हो, आप चाहो तो किसी को गिरा के यहाँ ला सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, और आपके सामने जो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं वो आसान ला रहे हैं, कोई बड़ा लंबा लंबा नहीं ला रहे हैं, कुछ नहीं करना है। कि आपको अगर लग रहा है कि सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ निःशुल्क सेवा दी जा रही है और मन से दी जा रही है। एक होता है ना कि चलो भाई हमने तो बाकी पता कि हम लोग खुद बहुत कहीं भी पढ़ाते हैं, तो इसके क्या होता है कि अब चलो भाई यहाँ हम लोग लग रहे हैं, यहाँ लग रहे हैं तो वहाँ पैसे मिलते हैं, वहाँ ड्यूटी होती है, यहाँ हम मन से पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें मन लग रहा है पढ़ाने में। तो कम से कम आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर शेयर तो बनता है, ठीक है, शेयर कर दो वीडियो को। और शेयर करना बहुत आसान है, यूट्यूब पे जाओगे जहाँ क्लास देख रहे हो वहां शेयर का एक ऑप्शन आता है, वहां पे क्लिक करोगे फिर कॉपी लिंक कॉपी करने का ऑप्शन आएगा, लिंक कॉपी कर लो, ठीक है, उसके बाद जाके फेसबुक या व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, ठीक है, बस इतना ही करना है। चलिए, और अभी भी स्थिति देख के स्टूडेंट की, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि बहुत सारे बच्चे अभी भी ठीक है मेहनत कर रहे हैं। चलिए वेरी गुड, सबका कमेंट आ गया। चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं, स्टूडेंट की स्थिति देख के ठीक है मोटिवेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी नहीं आए हैं, अब पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 10 से 11 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आप कब एक ही रेखा में होगी, कब एक ही रेखा में होगी, तो आपको पता है कि कितने बजे बोल रहा है, 10 से 11 और घंटे के तथा मिनट की, 10 से 11 बजे के बीच, तो कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, रूल लगा देना है, एक रूल ये है एक रूल ये है। तो चलिए लगा देते हैं 60/11 × टाइम, आप सब भी बताओ इसका आंसर, जिन लोगों को डाउट था बताओ। और एक रूल है 60/11 × टाइम, तो आपको पता है टाइम में क्या लेना है, तो छोटा वाला, तो 10, और 10 6 से क्या है बड़ा है, तो क्या कर देना है 10/11 × टाइम में कितना, तो 10 - 6 = 4, और यहाँ 60/11 × 10 अब कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 6 × 24 यानी 6×4 = 24 = 11, और यहाँ हो जाएगा 600/11, अब डिवाइड कर दो, अगर सब कोई शेयर करता तो इतना बच्चा तो इससे ज्यादा रहते हैं, 9 यानी 10 बजकर
21 पूर्णांक 9 बटा 11 मिनट, इसका आ गया, एक आ गया 10 बजकर 21 पूर्णांक। देखो यहां पर, यानी कि एक समय जो होगा ऐसा होगा, यानी ये एक लाइन हो गया। अब एक समय और निकालते हैं, तो 600 को डिवाइड करो 11 से, तो 11 पचे 55, और 11 11 चौक, यानी 11 11 4 44, तो यानी समय हो गया 10 बजकर 54 पूर्णांक 4 बटा 11। ठीक है, कितना बजकर, 10 बजकर 54 पूर्णांक, यानी कि ऐसा कुछ। देखो यानी ये भी एक रेखा है, आप घड़ी पे मिला लेना करके, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को गुड मॉर्निंग, मेरा प्यार भरा नमस्कार। लेकिन आपसे थोड़ा नाराज हूं, क्योंकि आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया, जो कि गलत बात है। वाह बहुत, देखो कितने सारे बच्चों का आंसर आ गया, मैं इधर मुड़ा तो इधर आंसर आना शुरू हो गया, ठीक है। मैं इस सबसे नाराज हूँ, जितने बच्चे सुबह में थे मेरे साथ बात कर रहे थे वो सबने लाइक किया है, बाद में जुड़ने वाला किसी ने लाइक नहीं किया है, जो कि गलत है। अच्छा, ऑडियो क्लियर नहीं है, सुप्रिया ने बोला मैंने शेयर किया, वेरी गुड सुप्रिया, थैंक यू सुप्रिया। प्रियंका सर, यदि 6 होगा तो क्या होगा, ठीक है देखो, चलिए वेरी गुड। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि 6 होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जब 6 बजेगा तो एक खुदे एक रेखा पे हो जाएगा ऐसे, ठीक है। 6 बजेगा तो खुदे एक लाइन पे ये ऐसे रेखा पे हो जाएगा, एक तो पहले क्लियर हो गया। और एक आपसे 5 और 6 बजे के बीच पूछेगा तो आप निकाल लो, कम ही ना होगा। 6 बजे पूछेगा तो एक ऑलरेडी निकला हुआ है, निकालने की जरूरत क्या है। याद करो मैंने बताया था कि 5 से 6 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच, थोड़ा लॉजिकली सोच लिया कि जी अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए और शेयर कर दीजिए फटाफट, मजा आएगा। सभी का क्लियर हो गया, एक बार स्माइल कर दीजिए फटाफट। जिन बच्चे के मन में सवाल है कि सर अगर 6 होगा तब, तो 6 होगा तो एक तो 6 बजे बजा हुआ है, ठीक है। 6 से 7 होगा तो 6, एक तो 6 बजे बजा हुआ है और एक आगे बढ़ के निकाल लेना है, यानी कि कोइंसाइड वाला निकाल लेना है 6 से 7 में, ऑटोमेटिक आ जाएगा। वेरी गुड स्मिता, थैंक यू। सारे बच्चे स्माइल कर देंगे अगर क्लियर, आज एकदम अगर क्लियर हो गया है तब। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंसाता है आपको एग्जाम में सेट करने वाला। वो एक ही लाइन लिखेगा तो आप क्या सोचोगे, अच्छा एक लाइन स्ट्रेट एंगल, हमारे दिमाग में ये चीज आती ही नहीं है कि एक कोइंसाइड वाला भी एक लाइन है। वेरी गुड वेरी गुड स्मिता, रजनीश, नेहा, चलिए हाँ दोनों निकालना पड़ेगा, अगर आपसे पूछेगा तब दोनों निकालना पड़ेगा। एक लाइन मतलब क्या, एक लाइन मतलब कोइंसाइड वाला भी और एक लाइन वाला यहां भी। चलिए कंचन, वेरी गुड। सारे बच्चे देखो अब मजा आ रहा है, अब सब मेरे रंग में ढंग है, जैसे क्योंकि मैं जब बोलता हूं तो मेरे क्लास में स्माइली का बड़ा यूज होता है, अंगूठा वाला, हाथ उठाने वाला, मुस्कुराने वाला, जोर से मुस्कुराने वाला। अब जब मैं डांटूंगा तो आप रो देना झूठ का, मजा आएगा, स्माइली से खेलते हैं हम लोग। चलिए वेरी गुड, अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। ये रहा हमारा, अच्छा इसको पहले हाइड करो, तो सब के सब बेईमान हैं, सब के सब नहीं, सब आंसर देख के बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे राइट एंगल, तो जब राइट एंगल की बात करेंगे तो यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो मुझे बता दीजिए कि 1 घंटे में कितनी बार होता है, 12 घंटे में कितनी बार, 24 घंटे में कितनी बार, क्या? तो राइट एंगल बनाती है घड़ी की दोनों सुइयां, ठीक है। कितनी बार राइट एंगल बनाती है, यानी कि राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। काजल कुमारी एक बार क्या करना ना, क्लास में खत्म हो जाए तो वीडियो देख लेना,
कल भी बताया गया था, अभी भी, ठीक है? तो एक बार आप देख लेना, अगर आपको समझ में नहीं आए तो जो हमारा ग्रुप है वहां कमेंट करना, मैं आपको वहां क्लियर कर दूंगा, ठीक है? ठीक है काजल, चलिए बता दीजिए फटाफट, लेट से जुड़िएगा तो यही होगा। और अभी भी सारे बच्चों ने लाइक नहीं किया है। स्वीट है, वेरी गुड। फटाफट बता दिए कि सबसे पहले कमेंट आया किसका, मैं देख लेता हूँ। स्वीति सुमन का आया है 1 घंटे में 2 बार, नविता चौरसिया 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44। इस सब 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 ने देख लिया, इस सब के सब चीटर है, धोखेबाज है सब। इस सब देख लिया आंसर, उतना देर में सबको ही देख लिया। चलिए 1 घंटे में 2 बार, कंचन, सुप्रिया, चलो वेरी गुड, शालिनी, स्वीटी शर्मा, 24 घंटे में 44, इस सब के सब ही देख लिया है, ठीक है? नीतीश कुमार 1 घंटे में 2 बार, आदित्य 1 घंटे में 2 बार, वेरी गुड, दीपक 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 24 बार। दीपक बाबू आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। चरण कहाँ है आपके, कैसे सोच ले तो आप इतना अच्छा, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 24 बार, वाह, 24। शशि वेरी गुड, नेहा वेरी गुड, नेहा ने भी 24 घंटे में 44 बार, वाह नेहा, कमाल कर दिया तुमने। प्रीतोष, इजहार, वेरी गुड इजहार, आपने भी कमाल कर दिया भाई, 24 घंटे में 44 बार, 12 घंटे में 22 बार, ठीक है? हाँ इन्होंने सही किया बिल्कुल। दीपक, रिया, शालिनी, महरुख, वेरी गुड, कोमल, राजीव, इकबाल अली, नेहा, और जितने बच्चे हमारे साथ बाद में जुड़ते जा रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। मुस्कुराते हुए साथ आओ और मुस्कुराते हुए जाइए, ठीक है? बस सीखने की ललक होनी चाहिए हमें। काजल, ओके चलिए ठीक है, दिया। हाँ काजल, अगर आपको समझ, वीडियो देख लेना, समझ में नहीं आया तो एक बार ग्रुप में कमेंट कर देना। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। अब देखना कि कोई झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है? जिनका गलत होगा वो गलत बताएंगे, तो मैं झूठ मूठ का, ठीक है, कसम दे दूंगा, नहीं दे रहा हूं सुबह सुबह, लेकिन अगर किसी ने झूठ बोला तो याद रखना पाप लगेगा। देखो ये आ गया आपका, चलिए ये आ गया काजल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देख लो यहां पर, ठीक राइट एंगल यानी 90 डिग्री, जब घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां समकोण बनाती हैं, यानी कितने डिग्री का, तो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। तो मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, 12 घंटे में 12 बार यहाँ, जब 1 घंटे में 2 बार यहाँ, 1 घंटे में 2 बार 2 टाइम, तो 12 घंटे में 24 टाइम क्यों नहीं हुआ, और 24 घंटे में 48 टाइम क्यों नहीं हुआ? ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि तो हर क्यों को जानना जरूरी है आपके लिए, ठीक है? क्योंकि क्यू के चक्कर में पड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको डुबा देगा, तो इसलिए मैं हर चीज को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं, ताकि आपको किस इसके बाद कभी भी कोई घड़ी का सवाल पूछ दे ना, तो वो पछताए पूछ के कि भाई क्या हमने क्या पूछ दिया इस, ठीक है? उसको इतना डिटेल बता दो कि वो पगला जाएगी, अरे कर क्या रहा है, कि पूरा उसको A to Z नॉलेज बता दो कि देखो ये घड़ी में नॉलेज है पूरा डिटेल, ताकि आपसे पूछ के वो पछताए। चलिए वेरी गुड, गलत था मेरा, वेरी गुड, बता दीजिए फटाफट। यानी मैंने बताया राइट एंगल, तो ये ऐसा कुछ होगा, राइट एंगल 90 डिग्री, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 90 डिग्री, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 90 डिग्री, और भी इसके अलावा भी बनता है, मैं केवल सिंपल सिंपल बता दे रहा हूं। चलिए वेरी गुड, और फिर से मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों ने लाइक नहीं किया है, लाइक का बटन दबा दीजिए फटाफट। दीपक, मेरा गलत था, देखो ऐसे बच्चे बड़ा मजा आता है मुझे, जो ईमानदारी से क्लियर कमेंट बोल देते हैं कि हाँ भैया कोई भी ग्रुप में रहो मुझे कोई फर्क नहीं, अगर मेरा गलत है तो गलत है, मैं सीखने आया हूं, वेरी गुड। अगर मेरा भी गलत है तो कोई बात नहीं, बताया करो, मैं भी एडॉप्ट करता हूं, मुझे, मैं भी सीख रहा हूं आपसे, क्योंकि हर बच्चे में कुछ ना अलग अलग टैलेंट होता है, क्या पता कब आप मुझे कुछ ऐसा चीज सिखा दो जिससे मैं कुछ अलग बना दूं, ठीक है? तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, गिव एंड टेक वाला हिस्सा है, मैं कुछ दे रहा हूं तो आपसे भी कुछ ले रहा हूं, पर डे कुछ ना कुछ सीख रहा हूं, ठीक है?
और सबसे बड़ी बात, मैं सब सुबह उठना सीख गया आप लोगों के चक्कर में, तो ये मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट हुआ। चलो लास्ट वाला गलत था मेरा, चलिए वेरी गुड। इकबाल अली सर आपका गलत है। अच्छा इकबाल अली मेरा गलत है, कैसे गलत है सर जी जरा बताइएगा। इकबाल अली नबीता राइट है मेरा, कुमारी रामाकांत, कुमार रामाकांत, जरा एक बार मैं इकबाल अली से बात करूंगा, कैसे गलत है मेरा इकबाल अली जरा बताइएगा। तो क्यों गलत है, मैं तो अभी प्रूफ कर दूंगा कि गलत नहीं है। शशि कुमार रॉन्ग, इकबाल अली ने डिलीट कर, देखो ये गलत बात है। अरे कुछ खुल के बोलो ना तभी क्लियर होगा। आप कमेंट कर दिया तो मैं कौन सा आपको यूट्यूब में घुस के मारने वाला हूं, ठीक है। नहीं ना, हम दोनों एक दूसरे के अलग अलग है, वहां से आपने बोल दिया, मैं मेरा फर्ज है रिप्लाई देना। चलिए नविता वेरी गुड। अब मैं आपको बताता हूं कि कब ये, अब अगर आपसे कोई पूछ, आपने जान लिया कि एक घंटे में दो बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार, ये किताब में आपको मिल जाएगा। ये रटा हुआ चीज है, आप इसको रट लोगे याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि अरे बताओ तो जरा बड़ी तू वहां पढ़ रहा है, ठीक है, बड़ी आके वो हीरो बन के पढ़ा रहा है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कितना तू जानता है, ये तो ठीक है नहीं हुआ, काहे कहां कहां नहीं होता जरा ये बता दो, क्योंकि दुनिया जालिम है, वो आपसे सवाल पूछेगी कैसे आप आगे निकल रहे हो, जलेगे भी, ठीक है। तो जलना, उसको जलने दो, जलने वाला काम है, हम आगे रहेंगे क्योंकि मेहनत करते हैं, ठीक है। तो क्यों नहीं होता है, अगला टॉपिक, उसका जवाब ये देना। देखो कैसे देना, उसका जवाब ये है कैसे, देखो तो आप जब उस केवल उसको बोल देना कि एक बात बताओ मेरे भाई, तुमको बड़ा पता है तो 2 से 3 बजे के बीच और 3 से 4 बजे के बीच राइट एंगल यहां हो जाएगा, यहां करके देख लो, 3 बजे मैं दिखा देता हूं। हाथ कंगन के तो फारसी क्या, बाकी पता है ना, पढ़े लिखे तो फारसी क्या, तो 2 से 3 के बीच में 3 बजे, चलिए वेरी गुड, मेरा सही था, वेरी गुड वेरी गुड। 2 से 3 और 3 से 4 बजे के बीच में, यानी इतने बजे के, इतने से समय में केवल एक बार 3 पर ही बजता है। अब देखो आप लोग बहुत सारे बच्चे बोलते हो या रिपीट कर जाता है सर, अरे रिपीट कहां से करेगा, कहां रिपीट कर रहा है, 2 से 3 में एक बार यहां हो गया और 3 से 4 में 3 बजे ऑलरेडी है, तो रिपीट कहां किया, तो रिपीट वर्ड हटा दो, क्योंकि आपका एक एक वर्ड जो आप बोलते हो वो आपकी पर्सनालिटी और आपके नॉलेज को डिस्प्ले करता है कि आप कितना जानते हो, तुक्का मार रहे हो या फिर ऐसी सुन सुना के बोल रहे हो। तो रिपीट, ये सब आप कुछ भी बोलो तो लगना चाहिए प्रोफेशनल, पूरे डिटेल नॉलेज के साथ भी डिस्प्ले होना चाहिए अगले वाले बंदे को, क्यों आपसे पूछने से घबराए, अरे इसको सब पता है। तो 2 से 3 में और 3 से 4 में, 3 बजे एक ऐसा टाइम है जो केवल 2 से 3 बजे के बाद, 3 बजे, 3 से 4 बजे के 3 बजे पहले बन चुका है, हो गया। तो ये तो एक बार हो गया, चलिए ये तो एक बार हो गया, अब क्योंकि दो बार होना है ना, तो अब देखो यहां पर 8 से 9 और 9 से 10, तो देखो एक तो 9 बजे ऑलरेडी हो जाएगा, तो 8 से 9 और 9 से 10, और देखो मेरे क्लास में घड़ी लेके बैठा करो, घड़ी लेके बैठा करो ताकि आपको और समझ में आए। अब मेरे पास इतना बड़ा घड़ी है नहीं कि मैं आपको डिस्प्ले करा पाऊं, आप घड़ी लेके या घर बाद में करके देखना कि 8 से 9 बजे और 9 से 10 बजे के बीच केवल एक बार यहां बनता है। तो देखो 12 घंटे में 2 बार यहां कम गया, तो जब दिन में होगा तो रातों में होगा, क्योंकि अगर 2-3 दिन में बजेगा तो 2-3-4 रात में भी बजता है, इसका मतलब 24 घंटा में 4 बार यहां कम जाता है। हाँ क्लियर, बता दो सारे बच्चे फटाफट, क्लियर हो गया एक बार बता दीजिए फटाफट। कमेंट करके बता दीजिए सारे बच्चे, चलिए एक बार मुस्कुरा दीजिए अगर समझ में आ गया है तो फटाफट। आएगो चोर टाइप से मुस्कुराते हो मतलब, ठीक है, आएगो खुल के मुस्कुराना, तो जरा खुल के मुस्कुराओ यार, मजा आएगा। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलिए मजा आ गया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेहा, विपिन, आदित्य, रेखा, मौसम, नविता, दीपक, मल्लिका, शशि, अरे मुस्कुरा दो भाई,
वेरी गुड नीतीश, रजनीश, ये मेरा नाम वाला कौन है भाई? रमाकांत, मीनू, दीपक, राजीव, मोनू, अंजलि, मीनू, जागृति। कोई बात नहीं इकबाल अली, अरे सॉरी क्यों बोलते हो यार, हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं, ठीक है? तो परिवार में चलता है, बाहर सॉरी बोलना, यहाँ पर हम लोग एक फैमिली हैं, ठीक है? तो बाहर में बोलना शालिनी, चल वेरी गुड, शशि, मीनू, डॉली, चलिए सुप्रिया, शफाक रहमान, राजू कुमार, वेरी गुड। तो ये हुआ ना मजा, आपके सुबह सुबह मजा आता है ऐसे स्माइल देखने पे, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। चलिए वेरी गुड, तो अब जरा सवाल आ जाए। आप देखो दुनिया जालिम है, यहां पर वो नहीं रुकेगी, अब पूछेगी कैसे, प्रूफ करके दिखाओ। तो कैसे निकालते हैं राइट एंगल, वो हम बताते हैं, क्योंकि दुनिया बता है ना आपको जालिम है, वो ऐसे नहीं मानेगी, वो प्रूफ करने के लिए बोलेगी कि तुम कैसे बोल दिया कि 2 से 3 बजे के 3 बजे बनता है, 3 से 4 बजे के बीच में 4 3 बजे ऑलरेडी पहले बज चुका होता है, कैसे प्रूव इट। आते हैं कर देते हैं प्रूफ, क्या दिक्कत है। चलिए वेरी गुड प्रतोष, वर्षा, मैरुक, वेरी गुड। चलिए तो जरा प्रूफ कर देते हैं। तो प्रूफ करने का तरीका ये है, क्योंकि तो 1 घंटे में 2 बार, तो रूल भी 2 बार होगा। तो पहला रूल क्या है, 60/11, और आपको मैंने बताया था कि 60/11 देखो सब में रहेगा, तो आपको याद करना एकदम आसान है, याद क्या करना, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो 1 में -3 कर दो, और 1 में 60/11 × टाइम +3 कर दो। चलो बना तो, और टाइम में पता है ना छोटा वाला, टाइम में कौन सा, टाइम में छोटा वाला, जल्दी से बता दो इसका आंसर, दोनों का आंसर क्या होगा, एक ही कमेंट बॉक्स में जल्दी से, मैं देखता हूं। आपके पास केवल 40 सेकंड का समय है, देखता हूं किसकी स्पीड अच्छी हो चुकी है। रूल मैंने बता दिया, जल्दी से बता दो, समकोण निकालने का, नहीं राइट एंगल का तरीका। हाँ देखो सर ने, हाँ ऐसा हो रहा है, मैं भी क्लियर कर देता हूं यहां पर यूट्यूब के माध्यम से, कि समुदाय जो है पाठशाला है, इसमें जो बच्चे 1 मंथ में सबसे ज्यादा जिनका अटेंडेंस रहेगा उनको सम्मानित किया जाएगा। अब सम्मानित कैसे किया जाएगा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम तो यहां पर है, आप कैसे सम्मानित कर दीजिएगा, तो ले ठीक है, क्या बोलते हैं देख लेना कैसे सम्मानित किया जाता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि सम्मानित होगा और बड़े धूमधाम से सम्मानित किए जाओगे, बस वेट एंड वॉच। चलिए चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए, एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए कि आपसे मैंने बोला कि राइट एंगल निकालने के लिए समकोण, तो 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार, और ये कहां कहां, सुनील यादव फिर से बता दीजिए एक बार, देख लीजिएगा सर मैं बता देता हूं यहां से, दो आप घड़ी लीजिए उठाइए, 2 से 3 बजे के बीच में 3 बजे बनता है, 3 से 4 बजे के बीच में समकोण नहीं बनता है, वो 3 बजे बज चुका होता है, एक वहां मिस कर गया, एक मिस करता है 8 से 9 में, तो 9 बजे, 9 से 10 बजे के बीच में, तो एक 9 बजे ऑलरेडी बन चुका है, तो यहां पर 1 घंटा मिस कर जाता है। तो 12 दिन में 1 बार, क्योंकि तो अगर दो तीन तीन चार पांच दिन में एक बार बजेगा, तो 3 4 5 रात में भी एक बार बजेगा, ठीक है? रिपीट करता है ना 24 घंटे में, तो ये हमारा हो गया कि एक 2 घंटा 12 घंटा में कम गया और 24 घंटा में 4 बार। वेरी गुड, सबके कमेंट आ रहे हैं, नेहा का आ रहा है, शशि का आ रहा है, दीपक का आ रहा है, निर्गुण का आ रहा है, कुमारी, अच्छा वो नहीं, रमाकांत ने, नेहा का आ गया, वेरी गुड, इजहार खान का आ गया, गुंजन का, गुंजा का आ गया, चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सबका, जगृति, नीतीश। अब आप बताना सही है गलत है, कुछ नहीं करना है, 60/11 टाइम 4, अब -3 1, 60/11 × टाइम कितना, 4 और 3 7, देखो यहां पर, तो 60 को 11 से भाग कर दो, आप कहता पता है ना, चलो डिवाइड कर दो, यानी यहां पर हो जाएगा 4:38.2/11 मिनट, पहला एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा
हो जाएगा 4:05:5:11 किसका किसका सेम है एक बार कमेंट कर दो, किसका किसका सेम है एक बार कमेंट कर दीजिए फटाफट, किसका किसका सेम है एक बार कमेंट कर दीजिए। और जो बच्चे हमारे साथ बाद में जुड़े हैं वो प्लीज सेशन को क्या कर दो, अरे लाइक कर दो भाई। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, और शेयर जरूर करना सारे बच्चे, एकदम वायरल हो जाना चाहिए। यूट्यूब पे शेयर कर दो, सॉरी यूट्यूब पे कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, कॉपी करके लिंक अपने स्टेटस पे लगा लीजिए और फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। जोड़िए वैसे बच्चे को जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है लेकिन उनके पास पैसे की कमी है, ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं बस कहीं ना वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, या वैसे विद्यार्थी को जोड़िए जिनके पास लगन है शिद्दत है। चलिए वेरी गुड, चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया। ठीक है, ऐसे नहीं करना था, स्माइल करना था, मैं समझ जाता, लेकिन आप लोग समझ अभी तक मेरे बारे में क्लास को समझे नहीं हो। जब मैं पूछूं क्लियर तो केवल स्माइल, केवल हंसते रहना, रीजनिंग इतना टफ थोड़ी यार, मजे में पढ़ेंगे और सबसे अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, सबका सही है, मजा आ गया। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल करना है आपको। अरे केवल मुस्कुरा दो, लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी भावनाओं को मैं समझ जाऊंगा, ठीक है, शिद्दत से। ये रहा अगला सवाल कि 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण बनाएंगी, यानी राइट एंगल बनाएंगी, तो जरा बता दो फटाफट। टाइम में क्या लोगे, तो 5 और 6 में छोटा कौन है, तो 5, तो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। रूल क्या है, तो 60/11 × time - 3, और एक क्या है 60/11 × time + 3। देखता हूं किसका, मैं 10 बच्चों का नाम लूंगा, टॉप 10 स्टूडेंट का नाम लूंगा, टॉप 10, क्योंकि इतने सारे बच्चे में देखता हूं किसकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी है, जब मैं बोलूंगा तब, ठीक है। तो सवाल इस समय स्टार्ट होता है अब, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए समय आपका स्टार्ट है, देखता हूं किसका सही हो। 10 बच्चों का मैं नाम लूंगा जो टॉप 10 स्टूडेंट होंगे, कंपटीशन वाला फील लाओ, कंपटीशन वाला। चलिए फटाफट, थैंक यू स्मिता, सेम था, वेरी गुड वेरी गुड। 10 बच्चों का नाम लूंगा, समय आपका स्टार्ट है, केवल 40 एक मिनट के अंदर लूंगा कमेंट, क्योंकि आपको कमेंट करने में भी प्रॉब्लम होता है। क्लास का टाइम है राजू भाई 6 से 45 से 8 बजे तक। चलिए सबसे पहले आंसर आया है मुजफ्फरपुर से ऑनलाइन स्टडी का, क्या लिखे हो, 5:01:10/11, दोनों बताना था मेरे भाई, दोनों बताना था, ऐसे काम नहीं चलेगा, जो दोनों बताएगा मैं उसी का कमेंट नाम लूंगा। सबसे पहले नाम जागृति का, सबसे पहले सही आंसर आया है डॉली का, चलो वेरी गुड। अंजलि नहीं, जो दोनों बताएगा उसी का नाम लूंगा मैं। नेहा राज वेरी गुड, स्वीति शर्मा चौथी स्टूडेंट है, स्वीति, नेहा 5वीं, मीनू 6ठी, नविता नहीं नहीं नविता नहीं, सुप्रिया 7, उमाशंकर 8वां, विपिन राज 9वां, चलो मल्लिका ना, मैं दोनों जो नाम, सफाक 10वां, यानी ये टॉप 10 स्टूडेंट थे हमारे जिनका मैंने नाम लिया। चलो उसके बाद रिया शशि, जो एक भेज रहे हैं मैं उनका नाम नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि वो सिंगल नहीं दो बार आएगा, तो आप चालाक हो, आसान वाला निकाल के भेज दिया आपका नाम ले लूं, नहीं दोनों निकालना पड़ेगा। चलिए वेरी गुड निर्गुण, इकबाल नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, शॉर्टकट मत अपनाओ यार, मजा नहीं आता ऐसे। मौसम कुमारी वेरी गुड, परवीन कुमार वेरी गुड, मल्लिका दूसरा वाला आंसर किया, एक ही कमेंट में करो मल्लिका ज्यादा मजा आएगा। दीपक शशि मैरुख वेरी गुड, ऋषिकेश वेरी गुड, जूली वेरी गुड, इजहार ना ना ऐसा नहीं मजा आएगा, इजहार भाई, इजहार भाई दोनों कमेंट करना एक साथ। अंजलि पूजा अच्छा कितना चालाक हुआ आप लोग, ठीक है, मतलब एक कमेंट आसान वाला कर दिए, अब पूरा टॉप 10 में आना चाहते हो, वाह रे वाह, पूरा 420 हो तुम लोग। चलो चांदनी कुमारी वेरी गुड, जो बच्चे हमारे साथ बाद में जुड़े हैं उनका स्वागत है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ दोनों सेंड किया इजहार भाई, लेकिन अलग अलग किया, अब एगो
वहां पर है तुम्हारे ससुराल में, और ये वो तुम्हारे घर पे है, तो कहां से देख लें? चलिए चलिए, वेरी गुड मोनू, सालनी, फिर मोनू ने भी बाद में किया। चलिए अब ईमानदारी से कोई झूठ नहीं बोलेगा वरना पाप लगेगा। मैं आंसर कर रहा हूं बताना, और जिस केवल स्माइल कर देना कि सबका क्लियर हो जाएगा, केवल लिखने की जरूरत नहीं है मेरे क्लास में, देखिए जब मैं बोलूं तब आंसर। चलिए देखिए कंचन, चलो कोई बात नहीं कंचन, कोई बात नहीं, 60/11 गुने टाइम में 5 लेना है, 5 में से 3 घटा दो, 2, तो ये हो जाएगा 120/11। अब देखो 60/11 टाइम में कर दो 8, ये क्या हो जाएगा 8×6=48, और आपको पता है कि ये रिपीट करता है बार बार, देखो रिपीट कर गया ना, तो 120 को अगर करोगे तो हो जाएगा 5:10.10/11, पहला समय हो गया मिनट। दूसरा देखो तो 11 × 4 कितना हो जाएगा 44, ठीक है, अगर 33, 33.7/11 कितना, तो 5:33, ये 2 था। तो जिसका सेम होगा समझ में आ गया, मुस्कुरा दो जोर जोर से, कंजूसी मत करना मुस्कुराने में, कौन सा तुम्हारा पैसा लग रहा है, जिसका सेम है स्माइल कर दो एक बार जोर जोर से, ठीक है मजा आएगा। चलिए देखता हूं कौन कौन हंसने में कंजूसी करता है। चलिए फटाफट जल्दी से। चल सबसे पहले नेहा नाज ने जोर जोर से मुस्कुराते, चल वेरी गुड, दीपक भाई ने भी वेरी गुड, सुजाता ने वेरी गुड, हंसने में कोई कंजूसी नहीं, सीखने में और यहाँ पे हंसने में कोई कंजूसी नहीं, अंजलि वेरी गुड, नेहा, स्मिता, राजीव, मारुक, शशि वेरी गुड, आदित्यनाथ, डॉली, सफाक, शंकर, स्मिता, ऋषिकेश, विपिन, पूजा, नीतीश, अंकित, रजनीश, रेखा, सुमन, प्रतोष, इकबाल, अंबेडकर भारती, सुप्रिया, रिया सिंह, रिया को हंसने में पैसे लगते हैं एक ही बार हंसी है, आदित्यनाथ, विपिन, मोनू, सबसे ज्यादा खुश देखो विपिन भाई है, अपना विपिन भाई एकदम लोट पोट होके हंस रहा है, अमन, कोई बात नहीं मीनू समझ गया ना, मेन समझना है, सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, अगर आपको अपनी गलती समझ में आ गई तो इसे मिस्टेक नहीं कहते हैं, लेकिन सब कुछ जानने के बाद मिस्टेक कर रहे हो उसे मिस्टेक नहीं उसे ब्लंडर कहते हैं। दीपक, मंजय यादव, मल्लिका, आदित्यनाथ, रितेश, चलिए ये हुआ ना बात, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो ये आ गया अब एक इंपॉर्टेंट टाइप सवाल, आपसे पूछेगा घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयों जैसे, ठीक है, जैसे आपसे पूछ देगा जैसे आपसे पूछ देगा आपसे पूछ देगा नितेश, जागृति, चलो जागृति, सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, अगर आपको अपनी गलती दिख गई समझ गई समझ में आ गया तो इसे मिस्टेक नहीं कहते हैं, लेकिन अगर सब कुछ जान रहे हो उसके बाद गलती हो रहा है तो इसे मिस्टेक नहीं इसे ब्लंडर कहते हैं, ठीक है वही बात मैंने दोहराया, तो ये गलती नहीं थी वो मिस्टेक हो गया टाइप करने में, ठीक है चलिए आगे। क्यों अपने आप को कहते हो गलत हो गया यार, गलत कहाँ हो आप तो सीख रहे हो, सीखने में जब आपने पहली बार अपना कदम उठाया था ना तो जब आपको उंगली का सपोर्ट मिल रहा था तब आपने कितनी बार गिरा होगा, गलतियां आपसे भी होगी, कभी इधर चलने का इधर लड़खड़ा गए, तो अभी ये आपका लर्निंग स्टेज है, तो लर्निंग स्टेज में जो जितना गिरता है उतना मजबूत होता है, अब आपको गलती होगी अभी दोबारा कभी नहीं गलती करोगे, तो गलती से हैरान या परेशान नहीं हो जाना है कि हाँ कैसे हो गया सब बच्चों का सही है मेरा गलती हो गया, तो जब आप पहला कदम उठा रहे थे सपोर्ट दे रहे थे तब आप गिर रहे थे, ठीक है तो याद रखना यहां सपोर्ट है तो गिरोगे, उठाने के लिए मैं हूं बार बार उठाऊंगा आपको, लेकिन एक बार ऐसा आएगा कि आप दौड़ोगे तो बस उस दिन का वेट करो, अभी सीख रहे हो गिरने दो ना क्या हो जाएगा मजबूत हो रहे हो तुम, तो ये मत सोच लेना कि अरे सबका सही है मेरा गलत है, नेगेटिव ले लिए, पॉजिटिव लो हर चीज में, हर चीज में पॉजिटिव लो। आते हैं 3:15, 4:47 या 2:35, बताओ इसमें एंगल क्या होगा, एंगल कैसे निकाला जाता है, सवाल आपसे पूछता है और ये भर भर के सवाल पूछता है आपसे,
कि किसी घड़ी में 3:15 हुए हैं, किसी घड़ी में 4:47 हुए हैं, किसी घड़ी में 2:35 हुए, इनके बीच का कोण ज्ञात करो, इनके बीच का एंगल ज्ञात करो। ठीक है, तो मैं इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और एक आपको इतना शॉर्टकट कॉन्सेप्ट दे दूंगा, इतना शॉर्टकट कि देखोगे बिना कलम का आंसर आ जाएगा, लेकिन वो केवल उसी में काम करेगा। ठीक है, चलिए। हाँ चलिए, अब रुक जाओ, अटेंडेंस की बात मैं ना स्टार्टिंग में बताऊंगा ना लास्ट में बताऊंगा, अब आपको स्टैंडर्ड बताता हूं। ठीक है, ये आपका आज का अटेंडेंस कोड, आज का ये अटेंडेंस कोड है। थैंक यू, कौन किसने याद दिलाया? नेहा ने याद दिला दिया, थैंक यू नेहा। ये आपका अटेंडेंस कोड है 1227, और जितने बच्चे बाद में हमारे साथ जुड़े हैं सभी का स्वागत है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ये रहा आज का अटेंडेंस कोड 1227, 1227 सबने लिख लिया, एक बार कमेंट कर देना, अंगूठा का दबा दो, अंगूठा वाला डन, अगर आपने लिख लिया है तो अंगूठा वाला निशान छोड़ दो। जल्दी से फटाफट सारे बच्चे, मैंने कुछ नहीं बताया अभी, अभी मैं रिपीट करूंगा, केवल अटेंडेंस 1227, 1227 आज का अटेंडेंस कोड है। क्लियर, थम्स अप वाला निशान दे दो फटाफट, अंगूठे वाला जल्दी से, अगर क्लियर, उसके बाद मैं सवाल पे आता हूं, जल्दी से फटाफट सारे बच्चे, जल्दी से फटाफट 1227। और किसी को क्लास में कोई नोट्स शेयर नहीं करेगा, कितनी बार बताया हूं कि सबको क्लास आने दो, मुझे कोई हर्ज नहीं है, अगर मुझे हर्ज होता तो मैं इतना क्लियर आपको नहीं बताता, लेकिन हर्ज इस बात का है कि आपकी मेहनत है वो, और कोई और मलाई खा जाएगा। ठीक है, तो सब जो क्लास नहीं आ रहा वो भी उतार लेगा वो, तो कोई बेवकूफी मत करना, आपकी मेहनत है ये, सुबह उठ के नेट खर्च कर रहे हो। अंजलि वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। युवराज, रिया सिंह वेरी गुड, चलिए जागृति, रजनीश, रंजन वेरी गुड, सबका सबने क्लियर कर दिया। चलिए, तो अब मैं जरा बात कर लेता हूं 1227। हाँ चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, 1227 था हमारा कोड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब जरा कम टू द पॉइंट, अब आपसे पूछेगा ना घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, घड़ी की, हाँ कोड भी कोई किसी को शेयर नहीं करेगा, यहां दोस्ती यारी दिखाने का जरूरत नहीं है, याद रखना ये कंपटीशन फील्ड है। अगर आपका भाई भी वहां खड़ा होगा ना, या आपकी बहन भी खड़ी होगी ना, तो कोई नौकरी छोड़ेगा नहीं, या ये नहीं कहेगा कि भाई मेरी बहन एग्जाम दे रही है हम 5 को कम बनाते हैं, या मेरा भाई दे रहा है बड़का भैया हम 10 को कम बनाते हैं वो पास हो जाए, तब आपकी बेवकूफी है। ठीक है, तो यहाँ कंपटीशन का फील्ड है, ज्यादा बताने आपको केवल कोई अगर डाउट पूछे तो बता दो, लेकिन अगर आप क्लास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और वैसे बच्चे मलाई खा जा रहे हैं जो क्लास भी नहीं आ रहे, बैठे बैठे सुतले हैं, अभी कुछ समय बच्चा व्हाट्सएप पे लगा होगा, ठीक है, मेरी आस की तुम ही हो, फेसबुक पे लगा होगा, ठीक है, बाद में जब उनका ध्यान कब टूटता है, जब उनकी शादी का इन्विटेशन कार्ड उनके घर में आता है, ठीक है, या दोस्त से पता चलता है भाई शादी है, तब आता है कि अरे साला पढ़ लेते तो ज्यादा मजा आता। तो ये सब पछताने से अच्छा नहीं है, यहाँ पे फोकस कर लो, आज की बाद में कर लेना, ठीक है, और मेरे बातों गलत मतलब नहीं निकालना, क्योंकि जो अभी चल रहा है वही मैं बता रहा हूं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो टीचर भी कभी स्टूडेंट था, तो जिस माहौल से आप, उस माहौल से मैं भी गुजरा हूं, और ज्यादा नहीं, ये 1-2 साल पहले की बात है, हम भी अभी भी स्टूडेंट ही हूं, मैं भी फॉर्म भरता हूं आपकी जैसा। चलिए अब आते हैं पॉइंट पे, देखिए क्या करना है, नितेश वो आपको अजीत सर ग्रुप में समझा देंगे, आप अजीत सर को पर्सनली फोन कर लो, समझा देंगे आपको अच्छे से, या मैसेज कर लो, करा फाइंड एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, यानी घंटे की, घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना, किसके बीच का कोण ज्ञात करना, मिनट और आवर। जैसे आपसे पूछेगा कि बता दो कि 3:35 यानी ये वाला एंगल ज्ञात करो, ये वाला कोण ज्ञात करो, यानी घंटे
कि सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण ज्ञात करना है आपको, ठीक है। चलो 1227 था, 1227 था आज का कोड, ठीक है। अब देखो क्या करना है, तो उसका रूल है, बेसिक रूल है, 30 गुना एच, एच मतलब घंटा, माइनस 11/2 गुने एम, एम मतलब मिनट। किसी को कोई दिक्कत? घंटा वाला को यहां फिल कर देना, मिनट वाले को यहां फिल कर देना, और इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। और इसके बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा एकदम आसान वाला, पहले इसको समझ लो बेसिक को, ये बेसिक हमारा जरूरी है और ये एग्जाम में खूब पूछता है भर भर के, ठीक है। तो रूल है 30 गुना एच, एच मतलब आवर यानी हिंदी बोले तो घंटा, माइनस 11/2 गुने एम, एम बोले तो मिनट, ठीक है। चलिए तो आते हैं अब यहां पर, ये रहा आपका पहला सवाल कि 5:15 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, और उसका रूल है 30 गुना एच माइनस 11/2 गुना एम। बताइए तो फटाफट, मैं टॉप 10 स्टूडेंट का फिर से नाम लूंगा, क्लियर आंसर करना। मैंने बता दिया कि घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण ज्ञात करना है आपको, 5:15 यानी 5 बजे के बाद और 15 होने से पहले कि कितने डिग्री कोण बनेगा। हाँ 1227 था ये कोड, था ये कोड था। अब मैं मिटा दे रहा हूं, बार बार नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में जुड़ जाएंगे तो फिर उनका फायदा उठा लेंगे। और प्लीज कोई कल से कोई मुझे याद दिला देना, अटेंडेंस का मुझे याद ही नहीं रहता है, पढ़ाने में थोड़ा फ्लो फ्लो में निकल जाता हूं। रूल था 30 गुना एच माइनस 11/2 गुना एम, एम मतलब एच मतलब घंटा और एम मतलब मिनट, मिनट वाला यहां घंटा वाला यहां। चलिए सबसे पहले आंसर आया अंकित कुमार का 122 पूर्णांक बटा 11। चलिए अंबेडकर भारती, वेरी गुड। राकेश कुमार, प्रतोष, निर्गुण, विपिन, राकेश, ये मैं टॉप 10 स्टूडेंट का नाम ले रहा हूं, 1, 2 राकेश, 2 प्रतोष, 3 निर्गुण, 4 विपिन, 5 राकेश, 6 नेहरा, 7 नविता, 8 शशि, 9 नेहा कुमारी, 10। ये 10 हमारे टॉप स्टूडेंट थे। अब सही गलत ये बाद में चलेगा। उसके बाद दीपक है, गुंजन ने डिलीट कर दिया, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया, क्यों डिलीट करती हो। प्रवीण, स्वीटी, नितेश, सुजाता, विकी, जूली, मौसम, शालिनी, राजीव, मीनू, स्मिता, अंकित, अंजलि दांगी, गुंजा, वेरी गुड, रंजन, इकबाल, 90, देख लेता हूं 90 की सब्बे, राके, रेखा, काजल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तपेश कुमार, ये हमारे साथ बाद में अभी जुड़े हैं, उमा शंकर, वेरी गुड, देख लेता हूं फटाफट क्या सही क्या गलत है। चलिए रोहित पासवान, जल्दी से फटाफट, ममता, मंजय यादव। अब चलिए इतना बच्चों को मैंने नाम ले लिया, ठीक है, ऑनलाइन स्टडी ग्रुप मुजफ्फरपुर। चलिए अब मैं आपको बताता हूं क्या इसका आंसर होगा, जिन लोगों का सही होगा बताना सही, जिन लोगों का गलत होगा बताना। मिनट कितना दिया, 15, घंटा 15, एच 15 है और एम 15, ये सॉरी एच 5 है और मिनट 15 है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 150, और अगर इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 11/15 को तो कितना आ जाएगा, एक बार कमेंट करना सारे बच्चे, मुझे मैथ वैथ नहीं आता है। अगर यहां पर 11 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार कमेंट कर दो, मैं कमेंट आपका देख रहा हूं फटाफट, कितना आ जाएगा, 135 आएगा रे बेवकूफ, 165 आएगा, 135 आएगा कि 165 आएगा, 135 आएगा कि 165 आएगा, बताओ कैसे आप लोग कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 135 आएगा, मैंने बोल दिया मुझे नहीं आता, इसका मतलब नहीं आता है। बीटेक
होल्डर स्टूडेंट हूँ, ठीक है, बीटेक किया है मैंने, तो मैथ तो अच्छा आता ही होगा थोड़ा बड़ा, तो बेवकूफ मत बनाना, बोल देता हूँ उसका मतलब नहीं कि मुझे नहीं आता है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब आप क्या करो, यहां पर एक कर दो, ये तो आपको पता है, इसका तरीका भी बताऊंगा और शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। अब आप इसका इक्वेशन फाइल करो, तो 300 माइनस कितना, 165, 300 माइनस 165 बटा दो। अब बोलोगे सर 300 कहां से आ गया, तो अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 150 गुना दो 300 और माइनस कर देंगे 65। क्लियर? पवन कुमार वेरी गुड, सुजाता वेरी गुड, सबने 165 कहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सुजाता दीपक नीतीश वेरी गुड। चलिए तो अब आप करोगे, चलो यहां पर, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 135 बटा 2, तो 67.1/5 डिग्री, यानी ये इसका एंगल होगा, 5 लिख दिया मैंने, सॉरी 2 हो जाएगा, यानी कि 135 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 67.1/2 डिग्री आंसर। किसका किसका सेम था मुस्कुरा देना, किसका किसका सेम था मुस्कुरा दो फटाफट, किसका किसका सेम था जल्दी से फटाफट, केवल मुस्कुरा देना है, केवल मुस्कुरा देना है, किसका किसका सेम था। और गलत वाले केवल हाथ उठा देंगे कि मेरा गलत था, ईमानदारी से गलत वाले हाथ उठाएंगे, यूज करो ना कितना मजा, इमोजी यूज कर सकते हो आप लोग। चलिए नीतीश कुमार 67 पॉइंट, वेरी गुड नीतीश, जिनका सही है मुस्कुरा देंगे और जिनका गलत है वो हाथ उठा देंगे। चलिए वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। शफाक, सुजाता, मीनू, निदीपक, नीतीश, ऋषिकेश, नविता चौरसिया, एकदम आसान, केवल अब बोलोगे इतना लंबा लंबा करेंगे सर, तो इसका भी उपाय है, लेकिन हर चीज समय से अच्छी लगती है, मैं एक तरीका बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा इसको समझो क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक कभी भूलोगे नहीं। अब ये जल्दी कब होगा, तो आपका मैथ अगर अच्छा है तब, कैलकुलेशन अच्छा है तो इतना डिटेल लिखोगे, 300 बटा 2 165 माइनस तुरंत निकाल लोगे। वेरी गुड दीपक, चले बिपिन जी को प्रॉब्लम हो गया, दीपक को प्रॉब्लम हो गया, रूप दीवान को प्रॉब्लम हो गया, चलो क्या प्रॉब्लम हो गया वो मैं अगले सवाल से करूंगा, स्मिता को प्रॉब्लम हो गया, चलिए वेरी गुड, रेखा हंस रही है, प्रतोष हंस रहे हैं, चलिए तो बाकी जो दीपक है और ये बिपिन है, रूपा रूप दीवान है, इनको प्रॉब्लम क्या हो जा रहा मैं एक बार देख लेता हूँ, बाकी सारे बच्चे कुछ कहीं जाएंगे नहीं, अगला सवाल और मजेदार है, तो मैं अगले सवाल से करवाता हूँ। देखो तब तक मैं समझा देता हूँ कि जिनको प्रॉब्लम हुआ, सुनील यादव जी 5:15 आपको बोला कोण निकालने के लिए, तो रूल इसका है 30 × h, घंटा को 30 से गुना कर दीजिए, मिनट को 11/2 से कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब ये अगर आपको करने नहीं आ रहा है तो ये आपकी मैथ की प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आपकी मैथ की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं सर। मोनू कुमार बनाया नहीं था, चलो रिया कंचन, चले तो एक सवाल और देता हूं आपको, सबको यहां से समझा देता हूं, जिन बच्चों को प्रॉब्लम था एक बार अगर अभी क्लियर हो जाए तो बताना, जिन लोगों को प्रॉब्लम था करना कुछ नहीं है, कि इसका रूल होता है 30 × h, यानी घंटे वाले को जो घंटा है, यानी 8 बजकर ये घंटा है तो यहां लिख दीजिए उसको 30 से गुना कर दीजिए, और जो मिनट है, ये मिनट है आपका, इसको 11/2 से क्या कर दीजिए, है ना, और ये एम है, एम एन लिखा गया है, ये एम है मिनट, अरे यार मिनट, रुक जाओ एक मिनट, क्या कर रहा हूं, ये 11 है, क्या मैं कर रहा हूं, अब आपके साथ मेरा भी दिमाग हैंग कर रहा है, 11 है ये, 11 11 11 मिनट तो ये है, तो बताइए इसका आंसर। चलिए वेरी गुड, मैं तो कमेंट लेना ही भूल गया, वेरी गुड, कितना स्पीड आ गया देखो सब में, स्पीड 130 130। चलिए मैं सबका नाम पहले लेता हूं, अंकित कुमार ने सबसे पहले, नविता ने 100, अंबेडकर ने 130, सुजाता सुजाता 1 2 3 4, पांचवा रितेश था, सुजाता ने कर दिया था पहले, शशि सातवां है, फिर छठा है, भावना सातवां है, छठा है, काजल सातवां है, अंजलि आठवीं है, रंजन नौवां है, नितेश दसवां है, नितेश तक दसवां था, बाकी दीपक की 11वां, सुजाता, रेखा, प्रवीण, मल्लिका, विक्की कुमार 20, 20 कैसे हो जाएगा रे भाई, चलो अभिराज,
वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए रूप दीवान 130, राहुल 130, राजीव मजा आ गया। देखो आंसर इसे बोलते हैं आंसर। इसमें टॉप 10 क्या सारा का सारा टॉप कर गया। ठीक है इसको बोलते हैं सेम आंसर। मजा आ गया। अमन, ऋषिकेश, कुंदन, अजीत, वेरी गुड। जिनका सही होगा बताना। तो 30 गुना को कर दो 8 से, अब माइनस 11 बटा 2 गुना 20, तो 2 दहे के 20 काट दो, तो आती है 24 और 110 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री। 130 डिग्री जिसका सही था। अब तो कुछ बच्चे निकल लिए क्योंकि कुछ देखने ऐसे ही आते हैं। अरे भाई रेगुलर रहा करोगे तब तो समझ में आएगा। आसान है कि नहीं एक बार कमेंट कर देना। ठीक है कमेंट करना आसान है कि नहीं। इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो और आसान है। चलो जिनका सही था वेरी गुड। नीतू 130 वेरी गुड। तुपेश कुमार 130 वेरी गुड। चले वेरी गुड। 130 डेयरी नहीं डिग्री। चलो सालनी अच्छा ठीक है मैं आपकी भावनाओं को समझ गया। सालनी सुनील यादव 130। आदित्यनाथ वेरी गुड। नेहा वेरी गुड। आसान था कि नहीं। कोई टफ है? कोई टफ नहीं ना है तो क्यों अब इसके अलावा क्यों आप पड़े वो चक्कर में आग लगा देने वाला ट्रिक। एकदम पानी में आग लगा दोगे ऐसा कुछ लिखा रहेगा कि भैया मेरे पास एकदम ट्रिक है। ट्रिक किसी की हुई है आज तक? किसी की हुई है ट्रिक? ट्रिक जिसको जानता है उसी का होता है उसके अलावा किसी को नहीं। तो आग लगा देने वाला ट्रिक, ठीक है जला देने वाला ट्रिक, ये सब काहे चक्कर में पड़े हो भैया? सब आपको डुबा देगा। कुछ ऐसा नहीं होता है। चलिए किसी को डाउट जिनका पहले डाउट था अब क्लियर हो गया एक बार कमेंट कर देना। ठीक है वेरी गुड। चलिए जिनको डाउट था वो कमेंट कर देना। तो ये आग लगा देने वाला, कूद जाने वाला, उड़ा देने वाला, हवा में उड़ने वाला, ये सब ट्रिक पे हाथ जोड़ के निवेदन है मत पड़ो चक्कर में। कुछ नहीं है फालतू का है, जो बेसिक है वही काम आता है। ठीक है एग्जाम में सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। मैं पहले से बोल रहा हूं मैं ट्रिक नहीं देता हूं, कॉन्सेप्ट समझाता हूं, बच्चों को समझा देता हूं इतने अच्छे तरीके से वो सोचने लगते हैं। अब घड़ी में आपसे कोई पूछ ले ना किसी की मजाल है जो आप और आपका आंसर ना निकले, सवाल ही नहीं है। मैंने एक एक चीज क्लियर किया है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एक सवाल का और आंसर कर दीजिए। 10:10 के बीच का कोण क्या होगा? देखो ये अगर आंसर कर दिए सही तो मैं मान जाऊंगा, ये आंसर कर दिए तो आज का लास्ट सवाल। फिर नविता धांसु ट्रिक। अरे धांसु ट्रिक मैंने कब दे दिया? अब धांसु सर वाला ऐसे से करूं क्या? कंचन यस सर। चलिए फटाफट बता दीजिए वर्षा। चलिए वेरी गुड। इसका आंसर कीजिए। यहां पर कुछ लॉजिक लगेगा मैं आपको समझाऊंगा। चलो चलो वेरी गुड। सबसे पहले आंसर, अच्छा मैं कमेंट ले लेता हूं। वाह 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 गर्दा एकदम गोली हो गया तुम लोग, आंसर आना शुरू कर दिया। पहले मैं आंसर देख लेता हूं। रंजन कुमार ने सबसे पहले आंसर किया है, सुजाता ने किया है, स्मिता 3, नेहा 4, जूली 5, जूली ने 5वां, आदित्य ने 6ठा, नीतीश ने 7वां, रजनीश ने 8वां। मेरा नाम का लाज रख लिया, वेरी गुड। रसी 9वां, शंकर 10, ये टॉप 10 स्टूडेंट थे। अब राजीव, ओम साई 45, चलो ठीक है ऑनलाइन, निर्गुण, कोमल, पूजा, इजहार भाई, विपिन, गौतम, रूप दीवान, राहुल, सुनील कुमार यादव, नविता, भावना, इकबाल अली, नेहा, गौतम, ठीक है चलो वेरी गुड। गौतम तिवारी, मनीता 245, दीपक कुमार, अमन, अंकित, वेरी गुड वेरी गुड। सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए, मैं बताऊंगा किसका सही है किसका गलत है। वेरी गुड। चलिए तोपेश कुमार, सुमन वेरी गुड, काजल, स्वीति सर, सुमन, क,
कंचन कुमारी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखता हूं किसका सही है, ईमानदारी से बोलना, गलत कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? कोई गलत नहीं बोलेगा, सब सही बोलेगा। अनिल कुमार 245, वेरी गुड। चलिए अब जरा मैं आंसर दे दूं, मैं आंसर कर दूं जरा एक बार। सूची पांडे, ये हमारे साथ, पांडे जी हमारे साथ बाद में जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। टाइम से आया कीजिए, ज्यादा मजा आएगा। जागृति, महरुख, ठीक है? अभिनव राज, ये भी हमारे साथ लगता है अभी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। अभिराज, ठीक है? अभिनव राज, सॉरी। चलिए मैं आंसर कर देता हूं। तो 10:10, 30 × h यानी घंटा, ये घंटा हमारा ये यहां हो जाएगा, -11/2 × मिनट यानी यहां पर 10 हो जाएगा। तो 30 × 10 -11/2 × 10, अद्दू पचे 10, 300, और -55 तो आ गया कितना, 245, यही ना? और सबका 245 आ रहा है। तो खुश होने की, अरे रुक जा, कोई कमेंट मत करना कि हाँ सर सही सही सही, मुस्कुराना मत, अभी आपको मैं चुल्लू भर पानी में डुबाने वाला हूं। गलत आंसर है, जिन लोगों का ये आंसर आया है वो गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। 10:10 समझना बात को, ये दो के पास है, 10 मिनट में क्या ये कितना 245 डिग्री है, ये क्या ये 245 डिग्री है? इमेजिन कर सकते हो कि ये 245 डिग्री है 10:10 में? 245 डिग्री कौन बनेगा 360 डिग्री में? पॉसिबल है बताना जरा कि 245 डिग्री बनेगा 10:10 इतना यहां से यहां तक में? आप अगर जोड़ दो, 30 30 90, 30 कितना 112, इधर कितना हो गया 150, ऐसे अगर जोड़ोगे तब आ रहा है। तो ये 245 बनेगा, आपने सोच कैसे लिया? इसलिए मैंने घड़ी बनाया था कि सवाल ऐसा भी रहेगा तब क्या करना है, इस रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वाह कोण क्या होता है। तो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स कोण। और कैसे ज्ञात करते हैं ये हम लोग कल बात करेंगे, एक मैं सवाल आपको बता के जा रहा हूं, ठीक है? चलिए सबके आंसर आप बदलना शुरू हो गया, वेरी गुड, सबके आंसर आप बदलना शुरू हो गए हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो कुछ नहीं करना है, रिफ्लेक्स क्या कर रहा है, इसको बाह्य कोण बोलते हैं, वो मैं कल बताऊंगा कैसे इसको करना है, समझो बात को केवल लॉजिकली, क्योंकि आप लोग रट लिए, मैंने अभी प्रूफ कर दिया कि आप लोग रट्टू राम तोते हो, रट लिया और आ गया डिस्प्ले कर दिया, लो धना धन धना धन धना धन, 245 245 245 245। अरे भाई क्या कर रहे हो, सोचो, यही हावी हो जाता है आप पर, कोई भी इंसान आप पे हावी हो जाता है, आप कॉन्सेप्ट को हावी कर लेते हो अपने ऊपर, कॉन्सेप्ट रूल को हावी मत करो, कॉन्सेप्ट को समझो पहले, डेवलप करो अपने अंदर के कॉन्सेप्ट को। 10:10 में पॉसिबल है, आपको पता है कि यहां से आप 30 डिग्री, अगर नॉर्मल बच्चा भी अगर जोड़ लेता तो वह आंसर आ जाता, लेकिन आपको पता है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में फर्क होता है कुछ सेकंड का, तो अगर आप नॉर्मली भी जोड़ते तो इतना नहीं आता, ठीक है? तब क्या करना है, तो 245 यानी ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल, तो इसको रिफ्लेक्स एंगल क्या करना है, 360 से घटा दीजिए, एक सौ पंद्रह डिग्री आंसर होगा, कितना डिग्री, 115 डिग्री। चलिए समझ में आया, रटना मना है मेरे क्लास में, रटो मत, अपने अंदर के कॉन्सेप्ट को बनाओ, जगाओ उसके अंदर, समझो, रटोगे तो यही हाल होने वाला है। ऑप्शन में ये दिया रहेगा, आप आंसर मार के एकदम पूरा निकलोगे क्लासरूम से, आप बुरा बनाए हैं, जब एग्जाम में आएगा तो नहीं हो पाएगा, तो कहोगे अरे अब क्या गलती हो गया, तो ये गलती हुई थी, ठीक है? समझ में आ गया, एक बार मुस्कुरा दो, बाकी मैं कल इसको बताऊंगा क्या रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वाह कोण क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि मैं हर एक पॉइंट टच करूंगा, हर एक पॉइंट को, जहां जहां आप फंस सकते हो, ठीक है? जहां जहां आप फंस सकते हो वो मैं हर एक पॉइंट टच करने वाला हूं। चल हाँ, दीपक, दीपक का सबसे पहले सही था, दीपक का सच में सबसे पहले सही आंसर आया था, वेरी गुड दीपक।
इकबाल अली देखो, आप नॉर्मली, आपको पता है कि यहां से यहां 30 डिग्री, यहां से यहां 30 डिग्री, आप अगर नॉर्मली जोड़ोगे तो 30 30 60, 30 30 60, 120। लेकिन आपको पता है कि जब 10 20 बज रहा है तो यहां से ये आगे बढ़ जाएगा और यहां से ये ऐसे हो जाएगा। तो यहां से यहां निकाल देते हैं, यानी कि जो आप नॉर्मली सोचो कि 360 डिग्री का पूरा होता है, उसमें 245 आया है। इसका मतलब कि ये वाला हिस्सा आया था, ये वाला नीचे वाला, और इस 360 में 245 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी मैं कल यहीं से स्टार्ट करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। आज केवल आपको सोचने के लिए छोड़ दिया हूं ये सवाल, कि सोचो कि कैसे होता है, क्यों होता है और कितने समय में ऐसा हो सकता है। सोचो इसको, आप इस पे काम करो। अब देखना एक बात और, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल मैं आके पढ़ा दे रहा हूं 1 घंटा, 45 मिनट, 40 मिनट, तो अब हमको कोई नहीं रोक सकता है। नहीं, ठीक है, गलत बात है। आपने जब पहला कदम रखा था, अगर जब आप उतना ही चलते जितना आपको चला जाता, तो आज आप चलने के काबिल नहीं होते। मैं डायरेक्ट आप पे आता हूं। अगर हमारी माँ के द्वारा पहला स्कूल में अगर चौक केवल एक जो पढ़ाया जाता क, उसके बाद अगर आप सीखने की कोशिश नहीं करते, तो आज तक आप क ही जानते, ख नहीं जानते। आपने उसके बाद सीखने की कोशिश की, तो हमारा ये स्टेज आपका है, ठीक है, इसको मैं सिखा रहा हूं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है, इसी जगह पर। फटाफट कमेंट कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा इंग्लिश का क्लास है, सारा शेड्यूल बिजी रहता है, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे, यानी लास्ट हमारा क्यूज से खत्म होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।